चाहे वह मुख्यमंत्री हो, चाहे नीतीश कुमार जी हो, या पथ निर्माण मंत्री वर्तमान तेजस्वी यादव हो, दोनों धृतराष्ट्र की भूमिका में हैं और संजय जो समझाता है वही करते हैं। नमस्कार, मैं पूजा चौबे, आप देख रहे हैं न्यूज 24। पलभर में ध्वस्त हो गया 17 करोड़ की लागत से बना पुल। खगड़िया में जिस पुल का निर्माण हुआ था और बिहार के पथ निर्माण मंत्री इस समय कौन है? तेजस्वी यादव है। तेजस्वी यादव और नीतीश कुमार पर पूर्व बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर संजय जायसवाल ने जमकर निशाना साधते हुए क्या कुछ बोल रहे हैं, आप उनको सुने। से मेरा अनुरोध रहेगा कि कृपया कर 13 जून 2013 से लेके 2017 तक और फिर अगस्त 2022 के बाद के किसी भी नदी पुल पर बहुत ही सावधानी पूर्वक चले, वरना आपकी जान को कभी भी खतरा हो सकता है। खगड़िया पुल जिस तरह से गिरा है वह साफ बताता है कि उस समय नीतीश कुमार जी पथ निर्माण मंत्री के रूप में धृतराष्ट्र बने हुए थे और अफसरों ने जैसा चाहा उस व्यक्ति को और जैसे डिजाइन को टेंडर दिया, जिसका नतीजा है कि दो बार खगड़िया का पुल गिर गया। उसके पश्चात माननीय ललन सिंह जी बने। आप सबको याद होगा कि ललन जी ने स्वयं विधानसभा में स्टेटमेंट दिया था कि बांध को चूहे खा गए, तो उस समय भी जो पुलें बनी होंगी कैसी बनी होंगी आप समझ सकते हैं। और आज भी जो पथ निर्माण मंत्री हैं वह शुद्ध धृतराष्ट्र की भूमिका में ही हैं, चाहे वह मुख्यमंत्री हो, चाहे नीतीश कुमार जी हो, या पथ निर्माण मंत्री वर्तमान तेजस्वी यादव हो, दोनों धृतराष्ट्र की भूमिका में हैं और संजय जो समझाता है वही करते हैं। अगर संजय के द्वारा जिस पुल का भी कहा जाएगा कि यह चलना चाहिए तो चलेगा, क्योंकि धृतराष्ट्र जी स्वयं देख नहीं सकते। महाभारत के धृतराष्ट्र का संजय सच बोलता था, आज के धृतराष्ट्र का संजय केवल अपने व्यक्तिगत दिलचस्पियों के लिए झूठ बोलते हैं और जो समझाया जाता है वही माननीय मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री करते हैं। जो रेल की में रेल मंत्री के रूप में इस्तीफे की बात कल कर रहे थे, क्या नीतीश कुमार जी पथ निर्माण मंत्री के रूप में उनके समय इतना बड़ा घोटाला हुआ? वह मुख्यमंत्री वही थे, पथ निर्माण मंत्री वही थे जब उन्होंने शिलान्यास किया था खगड़िया पुल का, तो क्या वह इस्तीफा देंगे या धृतराष्ट्र की तरह आंख बंद करके बैठ जाएंगे? तो आपने सुना डॉक्टर संजय जायसवाल को क्या कुछ बोल रहे थे। साफ शब्दों में बता रहे थे कि जिस तरीके से बिहार में भ्रष्टाचार चल रहा है, भ्रष्टाचार में लिप्त है और नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव धृतराष्ट्र की भूमिका में है, और जो संजय है बताने वाला, तो उस समय के महाभारत के संजय सच बोलते थे, सच उगलते थे, लेकिन इस समय के जो संजय है वो झूठ बोलते हैं और धृतराष्ट्र की भूमिका में बैठे तेजस्वी यादव और नीतीश कुमार।